जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज 17 सितंबर का दिन है और आज बहुत ही शुभ दिन भी है। आज गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु का दिन। चतुर्मास चल रहा है और इस गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि है, जो कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, यानी कि पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से इस दिन को जाना जाता है। बहुत ही खास दिन है ये, क्योंकि इस दिन सभी पितरों के लिए इस दिन तर्पण किया जाता है। अपने पितरों को खुश करने के लिए उनके निमित्त तर्पण दान पुण्य किया जाता है। तो ये जो दिन है, ये आप लोगों के जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर आया है, आज का दिन आपके लिए किस मायने में अच्छा रहेगा, आज भगवान विष्णु आपको क्या आशीर्वाद देंगे और आपके पितरों का आशीर्वाद आज आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो चलिए जानते हैं सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए किसको आज क्या मिलेगा। लेकिन चार राशियां ऐसी होंगी जिनको बहुत ही लाभदायक आज का दिन रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन काफी उत्तम रहेगा। आपको अपने कामकाज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, पारिवारिक माहौल खुश रहेगा। आज किस्मत आपके ऊपर मेहरबान होगी और आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। धन कमाने के नए जरिए आज मिल सकते हैं। आपको अपनी काबिलियत को दिखाने का एक मौका मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। बस वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर चलना है, वरना वाद विवाद हो सकता है। धर्म कर्म में भी रुचि होगी और अपने व्यवसाय में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय काफी अनुकूल होगा और पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आप जरूर रखें। वृषभ राशि के लोगों का आज मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, अध्यात्म में रहेगा, व्यस्त रहेंगे आज आप धर्म कर्म में और अपने घर परिवार के सभी कामों को भी जरूरतों को पूरा करते दिखाई देंगे। कुछ पुरानी योजनाओं पर भी अमल करेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। सफलता के बहुत से रास्ते खुलेंगे और विद्यार्थियों के लिए देखिए ये समय काफ़ी अच्छा है और उन विद्यार्थियों के लिए जो करियर से जुड़ने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी मिल सकती है। आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा, स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन भी आएगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रह सकता है, तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। संतान की वजह से थोड़ी चिंता होगी, किसी तरह की नकारात्मक गतिविधि आपको पता चल सकती है, तो आप कोशिश करें दूर करने की उसको। आर्थिक मामलों में कोई निर्णय लेते हैं सो सोच समझ कर लें। व्यापार के लिए अच्छा समय है, नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। पति पत्नी एक दूसरे का भावनाओं का सम्मान करेंगे तो दाम्पत्य अच्छा रहेगा, प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, बाहर के खाने पीने को अवॉइड करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से दिन व्यतीत होगा। अपने कई कामों को आज आप पूरा कर पाएंगे, आपके भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, घर परिवार का वातावरण भी अच्छा होगा। कुछ अपने भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे, कुछ गंभीरता से विचार भी करेंगे अपने भविष्य के लिए और अपनी चीज़ों को भी संभाल कर रखेंगे। इस समय अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी रखें वाहन चलाते समय। जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको आज अच्छा फायदा हो सकता है। अपने सभी कामकाज को ठीक तरीके से आप कर पाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही थी वो सभी बाधाएं दूर होंगी और कुछ आय के अवसर आपको मिलेंगे। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी आज आपका अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन कुछ तनाव को दूर करने वाला होगा, कुछ चिंताओं को दूर करने वाला होगा, परिवार के साथ हंसी खुशी के वक्त बिताने वाला होगा। रिश्तेदारों से कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। पिता के साथ बात करते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है। आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, पुराने मित्रों से भी मिलना जुलना होगा और व्यवसाय में भी अच्छा समय आपके लिए रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज आपके क्षेत्र में कुछ दबदबा आप बनाकर रखेंगे, प्रेम जीवन भी आपका अच्छा होगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज भाग्य चमकाने वाला दिन हो सकता है। आज जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने के पूरे योग हैं। कार्यस्थल पर आज आपके कई गुना वृद्धि होगी, या कहें तो दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होने का संकेत है, तो मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, बहुत अच्छा फल मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कई कार्य पूरे होंगे, अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। अपने मजबूत इरादों से आप अपने कामकाज में सफलता हासिल कर पाएंगे।
परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपने व्यापार में 4 चांद लगा सकते हैं। इस दौरान अचानक से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है, परिवार का माहौल बदल जाएगा। जीवन साथी का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक सही रहेगा। घर परिवार की स्थिति ठीक रहेगी, धर्म कर्म में भाग लेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में भाग लेंगे। और देखिए, एक चीज़ ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने से आपको ज़रूर बचना होगा और जल्दबाजी में किसी काम को ना करें। कोई पुरानी समस्या थी वो उजागर हो सकती है। जल्दबाजी में कोई योजनाएं ना बनाएं और व्यवसाय में आपको अपने साथी का पूरा साथ ज़रूर मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां होती हुई आज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज कुछ नए नए काम करने का दिन है, नई नई इच्छाएं जागृत होंगी, नई कल्पनाएं बनेंगी, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अपनी मेहनत के बलबूते अच्छे लाभ कमाएंगे, सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। और देखिए, एक चीज़ ध्यान रखें, कुछ भी नकारात्मक चीज़ होती है उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने ऊपर बस भरोसा रखें, हर तरह के काम को आप कर पाएंगे। रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो उनमें सफलता मिलेगी। व्यवसायी लोग हैं जो, उनको भी लाभ कमाने के मौके मिलेंगे। और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इस समय आप अपनी नौकरी के लिए अगर बायोडाटा भेजना चाहते हैं, प्रोफाइल भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेंगे, घर परिवार का वातावरण भी अच्छा रहेगा। कुछ विवाह योग्य लोगों के विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। सेहत भी आज आपकी ठीक ठाक रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदेंगे, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आज आप अपने लोगों के साथ किसी उत्सव में, किसी समारोह में जा सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान देना होगा, इधर उधर मन भटक सकता है, तो ध्यान को केंद्रित करें। आज आप किसी को पैसा उधार ना दें वरना वापस नहीं मिलेगा। व्यर्थ के झगड़ों से दूर रहें। व्यापार के सिलसिले में कुछ अच्छे कदम आज आप उठा सकते हैं और नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। आज जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत काम आ सकती है। प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। धनुराशि। धनुराशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ मिले जुले फल लेकर आया है। कुछ लोगों से आज महत्वपूर्ण चीज़ों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। बस अपना जो नज़रिया है वो सकारात्मक रखें हर स्थिति के लिए। आप स्थिति अगर आप सकारात्मक होंगे तो काम भी बनेंगे और कामयाबी भी मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों को शुभ फल मिलेंगे। आपके बड़े अधिकारी भी कामकाज से काफ़ी खुश होंगे। इस समय किसी महिला वर्ग के मित्र से कोई लाभ मिलने का योग बना हुआ है। पत्नी के साथ नोकझोंक हो सकते हैं तो वहाँ थोड़ा ध्यान आपको ज़रूर रखना है और साथ ही आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है। मकर राशि। मकर राशि के लोगों के लिए आज अपने सभी रुके हुए कामों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। किसी महत्वपूर्ण मामले में अगर आप फैसला ले रहे हैं तो ज़रूर विचार कर लें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, शिक्षकों का मार्गदर्शन करेंगे, जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले सुलझेंगे, व्यापार की स्थिति अच्छी होगी, कोई लाभदायक समझौता मिलने का भी योग है और नौकरी में भी आज आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी होंगे जिसका भविष्य में फायदा होगा। प्रेम संबंध अच्छे होंगे और सेहत भी उत्तम रहेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायक रहेगा। किस्मत पूरा साथ देगी, किस्मत के बलबूते अपने कामकाज में बहुत अच्छे लाभ कमाएंगे, बहुत सी समस्याओं का समाधान आप निकाल पाएंगे, आपकी प्रतिभा, आपकी छवि खुलकर लोगों के सामने आएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। मकान वाहन सुख की प्राप्ति होगी और संतान की तरफ से भी सुख मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऑफिस में काम करने का जोश रहेगा, जज्बा रहेगा और हर समस्या का हल निकाल पाएंगे। अगर आप साझेदारी में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाभ के संकेत बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता हासिल होगी, पारिवारिक तालमेल अच्छे रहेंगे और अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी तो वो भी दूर होंगी। मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज धन संबंधित लाभ मिलने की संभावना पूरी है। आपकी योग्यता के अनुसार आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। बच्चे आज आपके बहुत अच्छा करेंगे, आपका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, आपके कामकाज से आपके अधिकारी भी खुश रहेंगे। तरक्की मिलने के योग हैं आज आपके लिए। सामाजिक गतिविधियों में आप भाग लेंगे जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कुछ जरूरतमंद लोगों को आप सहायता भी करेंगे और दाम्पत्य जीवन भी आज आपका ठीक ठाक रहेगा।
इस दौरान आपको स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, तो लापरवाही ना करें। और देखिए, अमावस्या तिथि है, इस दिन श्राद्ध तर्पण जरूर करें अपने पितरों के निमित्त, ताकि उसका आशीर्वाद आपको मिल सके। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।